शराबी शराबी, ये हमको शराबी बोलता है भाई। और क्या तुझे शरीफ बोलूं? हमको शराबी बोलता है। हम तुझे कहां से शराबी पीते हैं? हम ठीक है, ये हमको शराबी बोलता है। हेलो, अरे खान साहब, अरे आपका दोस्त राजू झगड़ा कर रहा है। कहाँ पे है मेरा राजू? हाँ। अड्डा पुरानी सब्जी मंडी, मैं अभी आता हूँ। क्या कर लेगा भाई मेरा? अरे बहुत कुछ कर लूंगा तेरा। कर क्या लेगा मेरा? बताऊँ तेरे को? बताऊँ तेरे को? भाईजान मुझे माफ कर दो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे राजू, तुझे कहीं चोट तो ना आई? हमको शराबी बोलता है वो शराबी। छोटा भाई राजू है, अरे इसे तो जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए। कहाँ पर है? अरे मैं स्वास्थ्य केंद्र अमरोहा सर्किल से बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी आया।
मुझे पता लगा है कि मेरा राजू आपके पास है। मुझे किसी ने आपके पास से फोन किया है। पीएबी की मरीज आया, हो सकता है वो आपका राजू। चलो देखते हैं फिर। चलो चलो क्या आपने फोन किया था मेरे पास? अरे हाँ खान साहब, मैंने भी फोन किया था आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। राजू अरे सब तो खुली रखो। मेरे राजू, मेरे दिल के टुकड़े। खान साहब कभी तसल्ली रखो। मेरे राजू, डॉक्टर साहब मेरे राजू को देखो। मेरे राजू को क्या हो गया? डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, मेरे राजू क्या हुआ? डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, कहीं मेरे राजू कुछ हो ना जाए। ऊपर नाले की दुआ से सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रिपोर्ट में क्या आया? खान सर, मेरे ख्याल से जितनी बीमारी तुम्हारे राजू को है उसका वचन इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ऐसी क्या बीमारी है मेरे राजू को? आपके राजू ने शराब पीकर दोनों फैमिली को तबाह कर दिया। या अल्लाह रहम कर मेरे राजू पर। और दूसरी बीमारी बीड़ी सिगरेट पीने से उनका खून का कैंसर हो गया। और तीसरी बीमारी किडनी फेल हो गई है और आपका राजू कुछ ही दिनों का मेहमान है। डॉक्टर साहब क्या राजू ठीक नहीं हो सकता? आप पैसे की चिंता ना करें। खान साहब सवाल पैसों का नहीं, किस बात का? डॉक्टर सवाल किस बात का है? सवाल इस बात का है कि सबसे पहले तो किसी नौजवान के दोनों फेफड़े चाहिए, दूसरी बात तुम्हारे राजू को किसी नौजवान का जोश भरा खून चाहिए, तीसरी बात किडनी चाहिए वो भी किसी नौजवान। डॉक्टर
क्या ऐसा करने से मेरा राजू ठीक हो जाएगा? हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई नौजवान है? हाँ डॉक्टर साहब है। कौन है वो नौजवान? मैं ही हूँ। खान साहब आप तो एक मुसलमान हैं, एक हिंदू और आप इतनी संपत्ति वाले, आप तो इतने इज्जतदार हैं और ये शराबी, आखिर ऐसा क्यों? आज के दौर में भाई भाई को पानी नहीं देता, तो आप इस हिंदू के लिए जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं, ऐसा क्या राज है? डॉक्टर बात हिंदू की नहीं, बात मुसलमान की नहीं, बात किसी धर्म की नहीं, बात किसी समाज की नहीं, बात सिर्फ इंसानियत की है। ऐसी भी क्या इंसानियत? आप एक मुसलमान और एक हिंदू। जब मैं छुट्टी के दिनों अपने गांव आ रहा था, कानों में एयरफोन लगाए हुए, तभी रास्ते में अचानक कानों में रेड लगा के मस्त मस्त हो रहे हैं। अल्लाह अगर आज मैं ये एयरफोन लगाए हुए ना होता तो शायद मुझसे ये गुनाह ना होता। इस एयरफोन ने क्या गुनाह करा दिया या अल्लाह? राजू 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 बेटा तेरे बाबा सो रहे हैं, इन्हें सोने दे। आप कौन? बेटा मैं तेरे पापा का दूर का रिश्तेदार हूँ और आज से मैं तेरा ख्याल करूँगा। दारू मिलेगी? हाँ बेटा मिलेगी। और सिगरेट भी मिलेगी? हाँ बेटा सब मिलेगा। या अल्लाह आज के बाद मैं ही इसका देखभाल करने वाला हूँ और मेरा ही इसमें सब कुछ है। ये सब कुछ अल्लाह इसी ने करा दिया। आज के बाद मैं इस एयरफोन का कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही अपने साथी किसी को करने दूंगा। डॉक्टर साहब इसके नेक बाबा ने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई थी, तो अगर मैंने इसकी जान नहीं बचाई तो सभी इंसानों का इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा और मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर खान साहब ये दुनिया वाले आपकी तरह बन जाए तो जैसे आपने हिंदू मुसलमान जाति धर्म को भेद भाव न रखकर इनकी जान बचा रहे हो, तो उस अल्लाह को सारी कायनात को आपके सामने झुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जब मेरा राजू ठीक हो जाए तो उससे कहना कि मेरा राजू ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, बने तो सिर्फ एक नेक इंसान बने। ये तो ऐसे ही नेक काम में तेरी
आपको एक महीने हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं एक महीना यहाँ पर कैसे रहा? तुम्हारी बहुत सीरियस, तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं। खान साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान करें तुम्हारी जान बचाने।